बात वर्ष 2020 की है, जब लव जिहाद मामले में यूपी के बरेली में पहला केस दर्ज हुआ, जहां उवैश अहमद नाम का एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की पर जबरन निकाह और मतांतरण का दबाव बना रहा था और निकाह नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता था। उवैश की धमकियों से परेशान लड़की के पिता ने देवर्णिया थाने में लव जिहाद कानून के अंतर्गत 29 नवंबर 2020 को मुकदमा दर्ज करवाया, जो धार्मिक मतांतरण कानून आने के बाद दर्ज हुआ पहला मुकदमा था। पुलिस को दी अपनी शिकायत में लड़की के पिता टीकाराम ने बताया कि उवैश बार बार लड़की पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बना रहा था। लड़की ने जब निकाह से इनकार कर दिया तो उवैश अहमद उसे जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद लड़की ने अपने परिजनों को ये सारी बात बताई। उवैश के उत्पीड़न और धमकी का मामला चलता रहा और इसी बीच युवती का विवाह भी हो गया, लेकिन विवाह के बाद भी उवैश लड़की के परिजनों को निकाह के लिए लगातार परेशान करता रहा। उवैश लड़की के पिता से कहता कि अपनी बेटी को ससुराल से बुलाओ और मेरे साथ उसका निकाह करवाओ। इस दौरान वह तमंचा दिखाकर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी देता था। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी उवैश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू बेटियों को परेशान करने वाली इस जिहादी मानसिकता का अंत कब होगा।